वेरी गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एज एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होंगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड सारी की सारी न्यूज। ओके, तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। टुडे इज 27th of July 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग बैंकिंग एग्जाम्स लाइक दैट IBPS RRBPO एंड क्लर्क SBI क्लर्क मीन्स राइट IBPS क्लर्क मीन्स PO मीन्स राइट SSC CGL, CHSL, NTPC, रेलवे, अदर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम्स हो, सभी में आपके बहुत काम आएगा। ओके, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें अपन इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, कोई बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज होती है तो बैंकिंग न्यूज, तेज बेस पर कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है उनके बारे में, किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है उनके बारे में, किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है इनके बारे में, यानी कि पर्टिकुलर एग्जाम्स में यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, एंड अच्छा लगे आपको तो लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे तो। ओके, एंड देन शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आप कुछ सीख पाए तो अदर स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी सीख पाए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रत्येक मंथ के एंड में यानी कि जो महीना अंत में हुआ, जो महीना खत्म हुआ है राइट, तो उस महीने के अंत में माय डियर एस्पिरेंट्स पर्टिकुलर जो मंथ है उसमें किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था, एक सेपरेट सेशंस, एक सेपरेट वीडियो जो आपके एग्जाम्स में एक नंबर का क्वेश्चंस बनता है। ओके, आप में से जिस किसी स्टूडेंट ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज सेम थंबनेल का वीडियो है, जरूर आप देख लीजिएगा राइट। जून मंथ के, अप्रैल के चाहिए सर मेरे को, मई के चाहिए सर मेरे को, जुलाई आपकी जो मार्च के चाहिए, अप्रैल के चाहिए, फरवरी के चाहिए, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखे हैं। अगर जनवरी के पहले भी आप पढ़ना चाहते हैं उनके भी लिंक मैंने दे रखे हैं। ओके, जो चीज़ आपको लगी उसको देख के कंटेंट आप कलेक्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है, पहले बता दो। उसी प्रकार अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, यानी कि किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है, किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशन हुआ है जून मंथ में, किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है और रेजिग्नेशन हुआ है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स, प्लीज लिसन टू केयरफुली माय डियर एस्पिरेंट्स, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स लाइक। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपकी एग्जाम्स के लिए बैंकिंग का कोई एग्जाम्स हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं राइट। लास्ट मेरे आप वीडियोस देखेंगे ना तो मैंने वहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जो एग्जाम्स में डिटो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इनका कलेक्शंस एक बार जरूर कर लेना राइट। उसी प्रकार अब चलते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था आप सभी को, नेम द न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिशन which has been successfully flight tested by Defense Research and Development Organizations. First of all, so what is the full form of DRDO? So DRDO ko hai Defense Research Development Organizations. Then after that, apna apna hai ki ab questions kya pooch raha hai? Questions pooch raha hai ki DRDO ne ek aisi missile ka test kiya hai, right? Jo satah se hawa mein fire karke dushman deshon ko, right? Maar sakta hai satah se. To us पर्टिकुलर जो भी मिसाइल है उस मिसाइल का क्या नेम है, याद रखिएगा उसका नेम है आकाश राइट।
आकाश मिसाइल है, उससे DRDO ने इसका टेस्ट किया है। वह एक तरह से सतह पर रहकर हवा में फायर कर सकती है, हवा में सैनिकों के परखच्चे उड़ा सकती है। ओके, आकाश नाम याद रखिएगा। DRDO के बारे में माय डियर रेस्पोंडेंट्स आप सभी जानते होंगे, राइट। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस SSC एग्जाम्स में फाउंडेशन पूछ लेता है, तो 1958 में इसका फाउंडेशन हुआ था। कभी कभार पूछ लेता है इसके जो प्रेसिडेंट हैं G. Satish Reddy, G. Satish Reddy जो कि अभी रिसेंट में DRDO के प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, यह भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। ओके, क्लियर, न्यूज क्लियर हुई, समझ में आया आपको। अब मेरा क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पार्टिकुलर जो टेस्ट की गई है मिसाइल DRDO के द्वारा, तो वहां कहाँ पर इसको टेस्ट किया है यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, राइट। क्योंकि एक क्वेश्चन से कम 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक ही चीज को कवर करते चलिए, अच्छे से आपकी कवर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट बुक्स पे। देखिए आज की इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं यह अपन बात करेंगे। एंड बिफोर दैट माय डियर रेस्पोंडेंट्स, इम्पोर्टेंट डेज कौन कौन से हैं पहले इन एक बार इनका सभी का रिविजन कर लेते हैं, राइट। यानी कि आज है आपकी 27th of July, यानी कि 1st July टू 27th July, कौन कौन से अपन ने डेज पढ़े हैं एक बार ब्रीफ में फटाफट रिविजन करवा देता हूँ, आप लिखते रहिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जाता है 1st July को। इस दिन सभी को याद होगा जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, राइट, नेशनल डॉक्टर्स डे, GST डे, राइट, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है, 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था, राइट, याद रखिएगा। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। देन फिर आता है 6th of July, नॉट 4th, 6th of July को, दैट इज द वर्ल्ड जूनोज डे, राइट। वर्ल्ड जूनोज डे 6 जुलाई को आपके बनाते हैं, याद रखिएगा। ओके, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे। ओके, एंड देन आपके फिर आता है दैट इज द 11th of July, 11 जुलाई को बहुत इम्पोर्टेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, राइट, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बनाते हैं, राइट। एंड उसके बाद आपकी 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे, राइट, 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। फिर आता है 15th of July वर्ल्ड यूथ स्किल डे, राइट, विश्व युवा कौशल दिवस जो कि आपकी 15 जुलाई को बनाते हैं, याद रखिएगा। ओके, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, राइट, ये आपके बनाया जाता है 18 जुलाई को, राइट। फिर आता है 20 जुलाई, 20 जुलाई को आपके चेस डे, ये आप चेक करिएगा, इंटरनेशनल चेस डे। आई थिंक मेरे हिसाब से 2020 को यह पहली बार बनाया गया था, यानी कि अब की जो अब की बार बनाया गया है ये इसका सेकंड एडिशन था, याद रखिएगा। 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। ओके, फिर आता है 23rd of July, बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल्स ब्रॉडकास्टिंग डे, नेशनल्स ब्रॉडकास्टिंग डे, जो कि आपकी 23rd of July को बनाते हैं। ओके, तो ये इतने इम्पोर्टेंट डेज थे, आई होप सो गाइस आपकी क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है दोबारा पूछ लीजिएगा, क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स पर डन लिख दीजिएगा। ओके, आज की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं दैट इज द शिफ्टिंग ऑर्बिट डिकॉर्डिंग ट्रैजेक्टरी, डिकॉर्डिंग टू द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, राइट। यह एक पर्टिकुलर बुक है जिस पुस्तक को लिखा है नीति आयोग, नीति आयोग के प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी, वाइस प्रेसिडेंट आपके कौन है राजीव कुमार, एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं रिसेंट में अमिताभ कांत।
साइट याद रखिएगा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है शिफ्टिंग ऑर्बिट डिकोडिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। यह एक पर्टिकुलर पुस्तक पर्टिकुलर स्टार्टअप्स के लिए इकोनॉमी के लिए इन्होंने पुस्तक लिखी है। इससे कुछ वीडियोस पहले मैंने एक जो आपकी पुस्तक लिखी गई थी राइट विमल जालान जो कि आपके फॉर्मर डेप्टी फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम टाइप करिएगा राइट। उसके बाद आपकी अशोक लवासा जो रिसेंट में आपकी एडीबी बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक में आपके उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम भी बताइएगा। फिर आता है राकेश ओम प्रकाश मेहरा, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। फिर है आपकी दैट इज द राकेश ओम प्रकाश मेहरा हो गए राइट। फिर आपके सुधांशु मित्तल, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, किसके ऊपर लिखी है, क्या नेम है, सभी का डिटेल्स में कमेंट बॉक्स आंसर्स होना चाहिए राइट। यहाँ पर मैं रिविजन्स करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम्स में कैसे याद होगा, तो एक बार रिविजन्स करते रहिए, लिखिएगा जो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर की है अच्छे से ओके। तो शिफ्टिंग ऑर्बिट डिकॉर्डिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, यह पुस्तक लिखी है अमिताभ कांत राइट। नेक्स्ट है, अगर आपको जून मंथ के बुक्स भी पढ़ने हो राइट, जून मंथ के भी बुक्स पढ़ने हो राइट, तो माय डियर एस्पिरेंट्स डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाके आप सारे बुक्स कवर कर सकते हैं, अच्छे लेवल का कंटेंट है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज में, टुडेज येदुरप्पा रिजाइंस एज कर्नाटका सीएम। माय डियर एस्पिरेंट्स येदुरप्पा है जो कि कर्नाटका के सीएम थे, इससे पहले सिद्धारमैया थे राइट। अब सिद्धारमैया की जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद एलिगेशंस लगने के बाद अब आपकी येदुरप्पा जी को एज अ चीफ मिनिस्टर के रूप में थे, उन्होंने भी रिजाइंस कर दिया है ओके। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे येदुरप्पा जी, गवर्नर आपके हैं दैट इज द थावर चंद गहलोत जो पहली बार नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा थावर चंद गहलोत आपकी कर्नाटका के गवर्नर है, याद रखिएगा। बैंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका राइट, याद रखिएगा। समझ में आया आपको, तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइंस दे दिया है, याद रखिएगा कुछ इश्यूज थे इनके ऊपर राइट, उनकी वजह ओके। कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट है जो 18 जून को मास्क डे के रूप में भी बनाता है ओके। नेक्स्ट है पुरी बिकम, पुरी आप सभी को मालूम है उड़ीसा में स्थित है, बिकम द इंडियाज फर्स्ट सिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी ड्रिंकिंग डीप वाटर राइट। इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है, पहली ऐसी सिटी कौन सी बनी है जो कि आपकी क्वालिटी ड्रिंकिंग टैप वाटर है राइट, जिसकी शुरुआत की गई है, यानी कि प्रत्येक नल से एक अच्छा पानी ड्रिंकिंग पीने लायक पानी हो, शुद्ध हो उसके लिए ओके। समझ में आया यहाँ तक, याद कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट है, पूरी पहली ऐसी सिटी है। उड़ीसा के बारे में बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है उड़ीसा, एग्जाम्स में पार्ट बनते हैं क्लियर। उड़ीसा इज द, तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन बाबू है, भुवनेश्वर कटक और कैपिटल छोगे गणेशी लाल राइट। गणेशी लाल रिसेंट में उड़ीसा के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। यह भी भीतरकनिका राइट, ये आपका उड़ीसा में नेशनल पार्क है भीतरकनिका राइट, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। इज इट क्लियर, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये आपके उड़ीसा की है राइट क्लियर। बलराम स्कीम, मैं उड़ीसा के बारे में बता देता हूँ, एक बलराम स्कीम है जो कि आपकी उड़ीसा की है, किसानों की मो जीवन मो प्रतिभा राइट, मो जीवन मो प्रतिभा, यह भी आपकी उड़ीसा की ही है ओके। नेक्स्ट लेबनान पिक्स बिलियनरीज मिकाती,
एज अ प्राइम मिनिस्टर्स, राइट, नजीब मिकाती हैं जो कि आपकी लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पहले भी रह चुके हैं लेबनान में, एक बिलियनरीज हैं, राइट, बहुत अच्छा खासा इनके पास पैसा है, राइट, तो यह प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, दैट इज द लेबनान। लेबनान की कैपिटल बैरूत है, बैरूत इज द कैपिटल्स ऑफ लेबनान, याद रखिएगा। ओके, क्लियर? समझ में आया आपको? पौंड वहां पर करेंसी चलती है, याद रखिएगा, लेबनान, पौंड इज द करेंसी ऑफ लेबनान। ओके, नेक्स्ट एक ऑबिचुरीज है, दैट इज द वेटरन मल्टीलिंगुअल एक्टर जयंती पास्ट अवे, राइट, एक्टर है जयंती, राइट, उनका निधन हो चुका है 76 इयर्स की एज में, उनका निधन हो चुका है। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। एक ऑबिचुरीज हो गई, अपॉइंटमेंट हो गया, बुक्स अपन ने कवर कर ली, डेज अगर इम्पोर्टेंट है तो डेज भी अपन ने कवर कर ली, लाइक्स और इम्पोर्टेंट है, राइट, क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं आज के आपकी क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली इंक्ड 1,225 डॉलर मिलियन पार्ट विद वर्ल्ड बैंक टू बूस्ट डिजास्टर प्रिपेयरनेस, राइट, 125 मिलियन डॉलर का ऋण का समझौता हुआ है किसके साथ? तो कहना चाह रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने 125 मिलियन डॉलर, अमाउंट भी याद रखिएगा, बैंकिंग एग्जाम्स में अमाउंट भी पूछा जाता है। ओके, तो 125 मिलियन डॉलर किस राज्य को लोन प्रोवाइड किया है आपदा की तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए? तो व्हाट इज द आंसर, प्लीज टेल मी, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर मेंशन करिएगा। ओके, तो एंड अप करते हैं वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स, पीडीएफ किसी का भी चाहिए कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और प्रिपरेशंस करते रहें कंटेंट। ओके, तो लाइक बटन में प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।